Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Will you bozo ajish biography? Murshid Murabi Hazrat Mufti Oyub Sahab Naqshbandi Damar Barakatuhum. Biography bozo zarur understand. Aur im sign channel pe nayi asan tim karan sign channel zarur subscribe aur video karan zyada ko zyada share. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jammu Kashmir ke aisi mashhoor shakhsiyat jin se har chota bada mard o zan sabhi waqif hain. Mufti Muhammad Ayub Sahab Naqshbandi दामत बरकातहुम अलआलिया। आइए आज उनकी जिंदगी के बारे में कुछ अनोखी बातें जानने की कोशिश करते हैं। नौजवानों खुदा खुशू तीजस बुरकस्त करियो आज तूने अपने घर बुलाया मैं तो इस काबिल न था। मुद्दतों की प्यास को तूने बुझाया साकिया जाम जमजम का पिलाया मैं तो इस काबिल न था। दोस्तों हजरत मुफ्ती साहब के वालिद का नाम मरहूम गुलाम रसूल था। 1961 को जिला शोपियान के पिंजोरा इलाके में पैदा हुए। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शोपियान से मैट्रिक तक तालीम हासिल की और उसके बाद 7 साल तक घर के कामकाज, दुकानदारी जमींदारी वगैरह में मशगूल रहे। उस वक्त शोपियान के मशहूर और मारूफ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद अमीन शोपियानी रहमतुल्लाह अली की खिदमत में मुफ्ती साहब जाया करते थे और तर्जुमा कुरान करीम बजुबान कश्मीरी तकरीबन 11 पारे पढ़ लिए और साथ ही अरबी जुबान की इब्तदाई किताबें भी पढ़ ली। 1983 को दारुलुम रहीमिया बांडीपोरा कश्मीर में कुरान शरीफ हिफ्ज किया, फिर मदरसा अशरफुल मदारिस हरदोई यूपी में 2.5 साल तक रहे और कुरान करीम का दौर किया। फिर हजरत मुफ्ती महमूद अल हसन गंगोही रहमतुल्लाह अली के मशोरे पर जामिया अरबिया हथौरा यूपी बांदा में 1 साल तक क्याम किया, लेकिन घरेलू हालात नासाज होने की वजह से अब वतन वापस लौटे और दारुलुम रहीमिया बांडीपोरा कश्मीर में अरबी शशम तक तालीम हासिल की। उसके बाद हजरतुल उस्ताज मौलाना रहमतुल्लाह साहब मीर कासमी के मशोरा पर दारुलुम देवबंद गए और 1996 में दारुलुम देवबंद से फारिग हुए। हजरत मुफ्ती साहब को मजीद तालीम हासिल करने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन असातजा ने इजाजत न दी और दारुलुम रहीमिया बांडीपोरा कश्मीर में तदरीसी खिदमात अंजाम देने में मशगूल हुए। मुफ्ती साहब ने जिला शोपियान के पिंजोरा इलाके में मदरसा इस्लामिया के नाम पर एक इदारा कायम किया जो कि दारुलुम रहीमिया बांडीपोरा कश्मीर की शाख है। मदरसे की इब्तिदा हजरत मुफ्ती साहब के घर पर एक मकतब की शक्ल में शव्वाल 1418 हिजरी फरवरी 1998 को ही। साल भर गाँव के बच्चे सुबह शाम मदरसे में पढ़ने आया करते थे, लेकिन जगह की तंगी की वजह से मदरसे को जामा मस्जिद दरगाह शरीफ पिंजोरा में मुंतकिल किया गया। सर्दियों की शिद्दत की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहे, यहाँ तक के कई लोगों ने मदरसे के नाम पर जमीन वक्फ की। नव जमादुल उला 1421 हिजरी को हजरतुल उस्ताज मौलाना मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब मीर कासमी के हाथों मदरसे की बुनियाद रखी गई। हजरत मुफ्ती साहब का इस्लाही ताल्लुक हिफ्ज से ही हजरत मुफ्ती महमूद अल हसन गंगोही से था। उनके इंतकाल के बाद हजरत पीर जुल्फकार साहब नक्शबंदी से हुआ। हजरत मुफ्ती साहब का ताल्लुक हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा से हजरत मुफ्ती महमूद हसन गंगोही, कारी सिद्दीक अहमद बांदवी, हजरत कारी अमीर हसन हरदोई, शेखुल हदीस मौलाना नसीर अहमद खान साहब, मौलाना रियासत अली बिजनोरी, हजरत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अली से था। दुआ करें हजरत मुफ्ती साहब का साया तादेर हमारे सरों पर कायम दायम रहे। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर वीडियो असल बासो तेल करजो वीडियो ज्यादा को ज्यादा शेयर। सान चैनल पर नए आने तुम कर सो चैनल जरूर सब्सक्राइब। सपोर्ट जरूरत मेहरबानी करनी।